यूपी में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का मन बनाया है। सरकार का ये फैसला भले ही कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन इसके कई फायदे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर मैरिज रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फायदे हैं। फायदा नंबर एक, बाल विवाह पर लगेगी लगाम। अपने देश में शादी के लिए लड़की की उम्र 21 साल और लड़की के लिए 18 साल निर्धारित की गई है, यानी इससे कम उम्र में शादी करने को गैर कानूनी माना गया है। लेकिन बावजूद इसके देश में बाल विवाह का सिलसिला नहीं थम रहा, लेकिन इस फैसले से बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। फायदा नंबर दो, पति या पत्नी के जीवित रहते नहीं हो सकेगी दूसरी शादी। वैसे तो तलाक देकर कोई भी शख्स दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब बिना तलाक दिए कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, मगर शादी के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने पर इस तरह की शादियों पर रोक लग सकेगी। फायदा नंबर तीन, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसका अधिकार मिल सकेगा। आमतौर पर पति की मृत्यु के बाद पत्नी को अपना हक पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, साथ ही किसी भी तरह के क्लेम के लिए भी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन इस फैसले से महिलाओं को अपना हक और क्लेम पाने में मदद मिलेगी। फायदा नंबर चार, तीन तलाक पर लगेगा अंकुश। इस फैसले से तीन तलाक पर काफी हद तक अंकुश लगेगा, क्योंकि सिर्फ मौखिक तौर पर तीन तलाक देने से रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई तीन तलाक देकर दूसरा निकाह करता है तो वो अवैध रहेगा। और फायदा नंबर पाँच, दोनों पक्षों की सहमति से होगी शादी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने से अब जबरदस्ती शादी के मामले पर भी रोक लगेगी, और कोई भी शादी दोनों पक्षों की सहमति से ही होगी। तो ये थे शादी के रजिस्ट्रेशन के फायदे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।